नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज का हमारा जो विषय है, आप हथेली देख करके काफ़ी लोग पंडित लोगों के पास या जो ऐसे विद्वान रहते हैं उनके पास जाते हैं, और वो हथेली देख करके ही केवल जो है आगे का फ्यूचर का भी भविष्य बता देते हैं कि आगे होने वाली ये घटना आपके घर में घटेगी या फिर आपके साथ ये घटना घटने वाली है। तो ऐसे वो लोग कैसे बता देते, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में जितना भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये सामुद्रिक शास्त्र में जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं तो सभी लोग पढ़ लेते हैं कि ये सूर्य रेखा होती है, ये मंगल रेखा होती है और ये जीवन रेखा होती है। बट लेकिन उनमें जो एक होता है कि डीप एनालिसिस करके ज्ञान प्राप्त करके डीप एनालिसिस करके हथेली को देख करके बताना, भविष्यवाणी करना और वो भविष्यवाणी सत्य घटित होना, ठीक है। और कुछ लोग सिद्धि करे रहते हैं, जो लोग सिद्धि करे रहते हैं वो लोग जो है फ्यूचर का भी बता देते हैं, ठीक है। तो आज मैं यही चीज़ को टॉपिक को लेकर के आई हूँ कि हथेली देख करके ऐसे कौन सी सिद्धि लोग करते हैं जो बस हाथ देखते ही जो आगे फ्यूचर का भी बता देते हैं। ऐसे बाबा लोग और जितने भी महंत लोग हैं, तो वो जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, ये सिद्धि ज़रूर करे रहते हैं। पंचांगुली देवी की सिद्धि, पंचांगुली देवी की सिद्धि जो जो व्यक्ति करे रहता है उसको बस हाथ आप दिखाएंगे, अगर पर्दे के पीछे से भी अगर आप अपना हाथ दिखाएंगे, किसी भी स्त्री फीमेल पुरुष बच्चे के भी दिखाएंगे, तो फ्यूचर में क्या उसके साथ घटित होने वाला है वो तुरंत बता देगा। पंचांगुली देवी के लिए आज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, पंचांगुली देवी का यंत्र भी आता है, पंचांगुली देवी का एक मंत्र भी होता है। साधना जब भी आप करें तो किसी गुरु के अंडर पे करना चाहिए, इस साधना को ऐसे साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधना के लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है। कुछ लोग जो है किताब वगैरह पढ़ के ही केवल साधना करने लगते हैं, तो वैसे साधना नहीं करनी चाहिए। साधना करने के बाद में अगर साधना अगर आपकी खंडित हो गई तो इंसान मेंटल भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है। इसीलिए साधना को शुरू करने से पहले अपने गुरु के अंडर पे ही साधना ग्रहण करना चाहिए, ऐसे साधना आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। पंचांगुली देवी का मैं छोटा सा एक दिखा देना चाहती हूँ आप लोगों को यंत्र। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पंचांगुली देवी का ये यंत्र है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यही वो देवी हैं जो हाथों में जो है पांच कर्म, जो जल तत्व हैं, जो पांच चीज़ों से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है पंच तत्वों से, यही पंचांगुली देवी हैं। इसी देवी को लोग सिद्ध करे रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इनके हाथ देख सकते हैं आप लोग, ये चार हाथ इधर हैं और चार हाथ इनके देवी जी के इधर हैं, यही पंचांगुली देवी हैं जिसकी लोग सिद्धि करे रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनके हाथ और इधर भी हाथ देख सकते हैं। पंचांगुली देवी की जब भी कोई व्यक्ति सिद्धि करता है तो इसके दुरुपयोग भी मिलते हैं सिद्धि करने के बाद में, लेकिन सिद्धि का जो है सिद्धि करने के बाद में इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो देवी को आप गुलाम बना करके उनसे काम करवाते हैं तो ऐसे लोगों की जो मृत्यु भी होती है बहुत ही बहुत भयानक मृत्यु होती है ऐसे जातकों की, क्योंकि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आप लोग इस देवी को जो है अपना जो है गुलाम बनाए रहते हैं, लेकिन मरने के बाद में जो आदमी इनकी सिद्धि कर रहते हैं मरने के बाद में वो आदमी लोग जो है जो एक मुक्ति मिलती है मरने के बाद में, एक तृप्ति होती है, आत्मा जो जाती है भगवान के पास, तो ये जो लोग सिद्धि करे रहते हैं यक्षिणी देवी की या फिर पंचांगली या फिर कर्ण पिशाचिनी, बहुत सारी सिद्धियां हैं जो हमारे भारतवर्ष में हैं, ऋषि मुनि लोग दे गए हैं ये सब सिद्धियाँ, लोग सिद्धियाँ करे रहते हैं, तो ये जितनी भी इनकी जो आत्मा होती है वो वही देवी फिर गुलाम बना करके फिर इनको भी रख लेती है। तो ऐसे जातकों की जो मृत्यु होती है बहुत ही भयानक होती है और सफल मृत्यु नहीं होती है जितने भी लोगों का अभी तक का जैसे कि देखा गया है। तो आज का मेरा टॉपिक बस यही था कि आप लोग कैसे कहते हैं कि जो है भविष्य बता देते हैं हाथ देखते ही। मैंने एक पंडित जी को दिखाया, वो तुरंत ही मेरा फेस देखते ही और हाथ देख करके ही तुरंत ही सब कुछ बता दिया। तो वो लोग जब भविष्यवाणी करते हैं तो उनकी गर्दन भी थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी रहती है, क्योंकि उनके पास एक देवी रहती है जो कान में आकर के सब कुछ बताती रहती है। ऐसे ही पंचांगुली देवी भी हैं। साधना करते समय डरना नहीं चाहिए। जो लोग भी साधना अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उनको जो है अलग से मैं साधना इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगी। जो लोग भी साधना सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो लोग साधना सीखने के लिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसके बाद में ही मैं साधना सिखाऊंगी कैसे क्या साधना करना है। साधना करने के लिए पहले सबसे रूल जो है ब्रह्मचर्य का पालन, बाकी और भी जो रूल हैं विधि हैं सारा प्रोसीजर मैं बता दूंगी कैसे कैसे साधना करना है, कैसे करना है। जब भी साधना करें तो आप किसी गुरु के अंडर पे ही साधना स्टार्ट करें, ऐसे साधना बिल्कुल भी ना करें। चलिए, नमस्कार, राधे राधे। यही आज का
विषय था, जो भूत भविष्य बताने वाली जो देवी हैं वो जो है यहाँ पर पंचांगुली देवी हैं। नमस्कार, राधे राधे।